सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल का होना और बाल्डनेस आना, यानी कि हेयर फॉल हो रहा है बट हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहे हैं, और हेयर रीग्रोथ नहीं होंगे तो धीरे धीरे बाल्डनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। रामबाण उपाय बता रही हूँ, घर बैठे आप अपने बाल पैचेस को, बाल्डनेस को दूर कर सकते हैं सिर्फ एक महीने में। जी हाँ, आज मैं आपके साथ में ओवरनाइट गार्लिक हेयर ग्रोथ सीरम लेकर आई हूँ गाइज। ये सीरम आपको एक महीने में ही पूरे बाल पैचेस अगर हैं तो वहाँ पर न्यू हेयर की ग्रोथ होने लगेगी। जल्दी से देखते हैं इसको किस तरह से रेडी करना है, एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि गार्लिक ऐसा क्या जादू कर देगा आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में, कि आपके नए बाल निकाल देगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक गार्लिक लिया है, यानी एक लहसुन लिया है पूरा, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, क्रश कर लेना है पूरा अच्छे से, कद्दूकस करते हैं उस तरह से कर लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी डाल के कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से जो खरल होती है ओखली उससे भी कर सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पर सिंपल सा हमारा देसी जो तरीका है वही लिया है। तो मैं यहाँ पर एक गार्लिक को इस तरह से कूट रही हूँ और हम इसका जूस निकालेंगे, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ गार्लिक आखिर क्या करता है। देखिए, गार्लिक जो है, लहसुन है गाइज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन B6 होता है, वाइटामिन सी होता है, मैग्नीज होता है, सेलेनियम होता है। जी हाँ, ये सारी जो गुडनेस है, ये सारे वाइटामिन्स मिलकर आपके बालों को बहुत ज़्यादा एक तो मजबूती देते हैं और आपके बाल पैचेस को, जहाँ पर बाल ख़त्म हो चुके हैं, निकल नहीं रहे हैं, वहाँ से न्यू हेयर की ग्रोथ करने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और फ़ायदा होता है कि जो लहसुन है ये आपके बालों की जो हेयर शाफ्ट है इसको इतना मजबूत कर देता है, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है कि आपके बीच बीच से जो बाल टूट रहे होते हैं वो टूटना बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे ऊपर से बाल तो भारी हैं लेकिन नीचे आते आते हमारी चोटी बहुत पतली हो जाती है, इसका रीज़न ये है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा बीच से टूट जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लहसुन से बन जाएगी जिससे आपका बीच का बाल नहीं टूटेगा और बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगेंगे। इसके साथ में लहसुन में बहुत ज़्यादा सल्फर और सेलेनियम होता है जो आपके बालों के टेक्सचर को इतना मजबूत कर देता है गाइस कि आपके बाल हैं वो हेल्दी होने लगते हैं, ओके। इसके साथ में और अगर हम लहसुन के फ़ायदे देखें तो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत फास्ट करता है, एंड इससे आपके हेयर ग्रोथ बहुत बहुत फास्ट होने लगती है। आपको पता है उम्र, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना तो बाल धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, अगर वो डाइट अच्छी फॉलो नहीं करते तो उनके बाल धीरे धीरे वाइट होने लगते हैं, बालों की ग्रोथ कम होने लगती है। लेकिन और आपके जो स्कैल्प में, जो बालों में नेचुरल जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है वो इतना स्लो हो जाता है कि बाल एकदम पतले से, बेजान से, रफ हो जाते हैं, है ना। और इसके साथ में जो गार्लिक है, लहसुन है, ये इन सभी कमी को दूर करके आपके बालों को फिर से एकदम ग्रोथ में लेकर आता है। और हाँ, इसके इसकी डैंड्रफ की अगर शिकायत है, ड्राइनेस की शिकायत है, तो वो भी दूर होती है, ठीक है। तो ये मतलब देखें तो ओवरऑल आपके हर बालों की प्रॉब्लम के लिए लहसुन बहुत सुपर डुपर अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि एनी टाइम आपके घर में मौजूद रहता है। आप इसे इनटेक भी करिए, सब्जियों में डालकर खाइए और साथ में ये इसकी रेमेडी भी बनाकर लगाइए, ठीक है। तो आपने देखा मैंने एक लहसुन को इस तरह से कूट लिया था और अब मैं इसमें छलनी में डाल के इसको अच्छे से दबाकर और इसका पूरा जूस निकाल लूँगी। मतलब हमें ये 4 से 5 चम्मच जूस चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो 2 लहसुन भी ले सकते हैं, ग्राइंडर में डाल के भी इस तरह से इसका जूस निकाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से दबाकर और मैंने इसका 4 से 5 चम्मच के करीब जूस निकल गया, यानी ये जो हम ओवरनाइट जो सीरम बना रहे हैं ये हमारे 5 या 6 एप्लीकेशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर से न्यू बना लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका पूरा जो है ये निकाल रही हूँ। अब बात कर लेते हैं, इसमें 2 इंग्रेडिएंट और जाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके बालों का जो झड़ना है उसे भी रोकेंगे, है ना, बालों की ग्रोथ फास्ट करेंगे। क्योंकि इसका जो हम गार्लिक जो लगाएंगे ना, इसके साथ में 2 जो इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी तो इसकी गुडनेस आप ये समझ लो डबल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने इस तरह से इसको अच्छे से पूरा जूस निकाल लिया है। अब हम 2nd जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं गाइस वो है कैस्टर ऑयल। जी हाँ, अरंडी का तेल। देखिए, अरंडी का जो तेल होता है वो भी आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, नए बाल इससे भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, है ना। क्योंकि इसमें भी देखिए मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, एंड विटामिन ई मौजूद होता है इसके अंदर। इसके साथ में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसके अंदर जिससे आपके बालों की ग्रोथ फास्ट होती है। तो 1 चम्मच मैंने अरंडी का तेल डाला है। अब मैं ले रही हूँ विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई जो ऑयल होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको इजीली मेडिकल शॉप पे मिल जाएंगे ये कैप्सूल।
तो इसके अंदर मैंने दो कैप्सूल में इसमें ले रही हूँ, दो कैप्सूल में जो ऑयल है वो ले रही हूँ। विटामिन ई देखिए हमारी स्किन के लिए एंड हमारे हेयर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, तो इसलिए मैंने इसको दो लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने तीन इंग्रेडिएंट डाले हैं और तीनों ही कितने ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं जो कि 100% आपके न्यू हेयर की ग्रोथ करेंगे एक ही महीने में, यानी 30 दिन में। आप ये समझ लो कि अगर आप पूरे गंजे हैं ना, तो अगर आप इस तरह से इसको सीरम को बनाकर यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी से न्यू स्टार्ट हो जाएंगे आना, ठीक है। अब इसको लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इसको यूज़ करना है। आप क्या करिए, सबसे पहले जहाँ भी बाल्ड पैचेज हैं या सिर में बाल कम है, पहले कॉम्बिंग थेरेपी कर लीजिए। कॉम्बिंग मसाज वाली थेरेपी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, पूरी वीडियो को आप देख लेना, उसको आप चिश ब्यूटी कॉम्बिंग मसाज डालेंगे ना तो उसमें आ जाएगी, वरना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर फोल्डर बना हुआ है कॉम्बिंग मसाज का, वहाँ जाकर देख लीजिए। वो करने के बाद में आपको इस सीरम को अपने स्कैल्प पर लगाना है जहाँ भी बाल कम है, और फिर वो आप ओवरनाइट इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में आप अपने बालों को स्कैल्प को वॉश कर लीजिए। ये आप वीक में 3 बार इसको इस तरह से लगाइए। इसको जेंट्स लेडीज़ सब लोग लगा सकते हैं, और मेल फीमेल सब इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे 30 दिनों में आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ होने लगेगी। तो बहुत ही पावरफुल ये मैंने ओवरनाइट सीरम दिया है आपको, गार्लिक ओवरनाइट सीरम, और हाँ गार्लिक की पूरी सीरीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ गार्लिक सीरीज़ के नाम से फोल्डर है, उसमें मैंने आपको गार्लिक का ऑयल दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना बाल्डनेस से, तो आप इसकी पूरी सीरीज़ भी कर सकते हैं, उसमें आपको गार्लिक का ऑयल मिल जाएगा, है ना, और भी चीज़ें मिल जाएगी, सीरम है, टोनर है, बहुत सारे जो है उसमें आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आई होप ये आपको रेमेडी बहुत पसंद आई होगी गाइस, अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर करिएगा, इसके रिज़ल्ट भी उतने ही ज़्यादा आपको बेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर लगाइए अपने फैमिली में, जिसके भी आपको लगते हैं बाल कम हैं हल्के हैं उनको आप ये ज़रूर लगाइए। होममेड है, बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे ज़रूर करिए, क्योंकि स्कैल्प में डैंड्रफ भी जाएगा और कोई भी आपको पिंपल की या किसी तरह की शिकायत है ना, इचिंग वगैरह, वो भी इससे दूर हो जाएगी, ओके। सो इसका जो रिज़ल्ट है वो 30 दिन बाद में आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो आगे मैं आपके लिए मेकअप वीडियो लाई हूँ, बिकॉज वैलेंटाइंस डे स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए आप सभी के कॉमेंट्स आ रहे थे, तो वैलेंटाइन डे मेकअप लुक मैंने किया है, तो आप लोग देखिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ओके। और लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सो गाइज़ आप लोगों के बाल तो आ गए हैं, अब आप जाइए अपना वैलेंटाइंस डे अच्छे से सेलिब्रेट करिए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मेकअप लुक बता रही हूँ, उसे ज़रूर फॉलो करिएगा, आपका लुक बहुत ही इन्हांस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले CTM करना होता है, जैसे कि स्किन केयर कर लीजिएगा, तो मैंने स्किन केयर अपना अच्छे से कर लिया है, एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने अपने फेस को टोन किया है ना टोनर से, एंड आपके पास जो भी टोनर आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ आपको जो जो प्रोडक्ट इस वीडियो में दिख रहे हैं उन सभी के मैंने परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एंड सभी मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, अमेजोन पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं, सो अप टू 80% डिस्काउंट रहता है सभी ब्रांड्स पर, मेकअप फैशन सभी पर, तो आप लोग ज़रूर बाय करिएगा अपने लिए जो जो प्रोडक्ट आपको लेने हैं। सो यहाँ पर देखा आपने, सबसे पहले मैंने अपने फेस को टोनर से स्प्रे करके टोन कर लिया है, ये मैंने जो ब्रांड यूज़ की है ये असफा हलाल की है टोनर था। सेकेंड आपने देखा मैंने जो है डर्म डॉग का सीरम यूज़ किया है फेस के ऊपर, एंड इसके बाद में मैंने निविया क्रीम लगाया फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि ये तीनों स्टेप करते हैं ना, उसके बाद में मेकअप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है, बिल्कुल केकी लुक नहीं आता है ना। एंड नेक्स्ट अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, यहाँ कलर बार का प्राइमर मैंने यूज़ किया है। इसके बाद में आप देख रहे हैं ममअर्थ का फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन है, अभी विंटर के लिए काफ़ी बेस्ट फाउंडेशन है। तो आप इसको इस तरह से पूरा डॉट डॉट करके लगाएंगे, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से पूरा ब्लेंड कर लिया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लुक अच्छा आ रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप जब मेकअप करेंगे ना गाइज, तो आपका जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस होता है, और आप है ना कम कम लेकर भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं एक सारे स्टेप करें तो आप बहुत ज्यादा ओवर मेकअप करें, आप बिल्कुल कम कम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपका जो लुक है बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा, है ना। इसके बाद में आपने देखा मैं कंसीलर लगा रही हूँ, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, एंड यहाँ पर इसके बाद में मैं अपने कंसीलर और इसको फाउंडेशन को दोनों को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, मेबेलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट है ये, एंड
इसके बाद मैं अच्छे से मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोर करने वाली हूँ। ये है शुगर का कॉन्टोर पैलेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने चिकबोन पर लगाकर इसे अच्छे से फेस के ऊपर पूरा फेस को, हम है ना इस जब हम कॉन्टोर लगाते हैं ना गाइस, तो फेस हमारा थोड़ा सा स्लिम हो जाता है। अगर आपका काफ़ी हेल्दी फेस है तो आप कॉन्टोर ज़रूर करिए। ओके, तो नोज़ कॉन्टोर भी करिए, इससे नोज़ भी आपकी काफ़ी स्लिम और शार्प लगती है। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस पर आपने देखा कॉन्टोर कर लिया है, उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। आप देख रहे हैं ये ब्रशेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये भी मैंने अमेजोन लिए थे। इसके बाद में मैं अपने फेस के ऊपर ब्लश लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूं ये वाला ब्लश। ये है स्टेक वर्की का है, आई थिंक वही है, आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने सभी के दे दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा बेस बहुत ही अच्छा बना है और मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके बाद में मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये है शुगर कॉस्मेटिक का, शुगर का बहुत ही प्यारा ये है, इससे एकदम नेचुरल हाइलाइट्स होते हैं, है ना, काफ़ी स्किन वगैरह ग्लो करती है। नेक्स्ट मैं आईब्रो जो फिल कर रही हूँ, ये भी मैं कर रही हूँ स्विस ब्यूटी आईब्रो पेंसिल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर है। हमेशा आप है ना आईब्रो पेंसिल को ब्लैक कलर में न बाय करें, हमेशा आप डार्क ब्राउन लीजिए ताकि नेचुरल लुक आएगा। इसके बाद मैं लिपस्टिक जो शेड लगा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा न्यूड, पिंकी न्यूड लिपस्टिक है, जो कि वैलेंटाइंस डे के लिए काफ़ी अच्छा लुक है। ओके, सो मैंने इसे इस तरह से यूज़ की है। एंड इसके बाद में मैं अपना आई मेकअप करूँगी, तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर काजल जो यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट काजल है गाइस, मेबलिन का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा अमेज़ोन से इसको हमेशा लेती हूँ, हर मंथ आप समझ लो मैं इसको लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद। तो मैंने अपने लोअर लाइन पर, वाटर लाइन पर भी लगा लिया है और अपर पर भी लगा लिया, तो दोनों साइड में काजल लगाने से आपकी आईज़ काफ़ी बड़ी लगती है। एंड अब मैं अपना जो है काफ़ी बोल्ड आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो इसके अंदर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने आई लीड जो है पूरी कवर की है इसी काजल से। इसके बाद में मैं शुगर कॉस्मेटिक का ही ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर ब्लैक शेड मैंने ऊपर से फिर से लगाया है ताकि आईज़ है वो एकदम से ब्लैक नज़र आए पूरी बोल्ड। तो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लुक है वो काफ़ी इन्हेंस हो गया है और नाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेकअप लुक है। अगर आप नाइट में जा रहे हैं बाहर तो आप ज़रूर ये वाला लुक क्रिएट करिएगा। एंड इसके बाद में आप देखेंगे तो मैंने न्यूड कलर का बहुत ही लाइट जो ट्रांजी शेड है वो वाला हल्का सा उसी के ऊपर लगाया है ना आई लिड पे, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है पलक, है ना। इसके बाद में देखिए मैंने कर्लर से आई कर्ल कर लिया है अपनी आई लैशेज को। एंड इसके बाद में मैं लास्ट में जो है फेक आई लैशेज लगा रही हूँ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आईज़ प्यारी लगी है और ये मेरा पूरा फुल मेकअप कंप्लीट हो गया है। एंड ये है ना बिल्कुल नेचुरल लगती है, तो ये भी मैंने अमेज़ोन से ही ली थी, तो सभी के परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए। और अभी तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स हैं, तो आप लोग लेंगे तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स में ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, सो आप देखिए मेरी आईज कितनी नेचुरल लग रही है। अब मैं मस्कारा यूज करूंगी, ये भी है मेबलिन का मस्कारा एंड मुझे बहुत पसंद है, हाइपर कर्ल मस्कारा है इसका नेम, है ना। तो आप फेस देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। पूरा कंप्लीट मेकअप होने के बाद में मैंने जो है स्विस ब्यूटी का ही मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज किया है, तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो आप लोग जरूर बताइए कैसे लगा है, और ये हो गया हमारा मेकअप लुक। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप लोग अपने लिए बाय करिएगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को सभी के साथ में शेयर करिएगा। और ये मैंने इयररिंग्स एंड नेक पीस भी पहन लिया है, तो आप लोगों को इसके भी सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए बेहतरीन वीडियो के साथ में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए गाइज, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। बाय बाय।